इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद की सतह पर पहुंचने से पहले इसरो से संपर्क टूट गया था, लेकिन पूरी दुनिया ने इसरो को उसके हौसले के लिए सलाम किया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का जज्बा अभी भी कायम है, वो चांद पर और एक बड़े मिशन की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहा है। यही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में और भी कई सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इसरो के टू डू लिस्ट में शामिल है। तो आज हम वही सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जीजीएस पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो है 2022 में किया जाने वाला गगनयान मिशन, जिसके तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो 3 मेंबर्स वाले क्रू को कम से कम 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस वाले भाषण में की थी। अगर आपने वो भाषण सुना होगा तो आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किए जा रहे इस अंतरिक्ष यान में 2 मॉड्यूल होंगे। एक होगा क्रू मॉड्यूल, दूसरा होगा सर्विस मॉड्यूल, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटर मॉड्यूल कहा जाता है। इसरो ने इस साल के शुरुआत में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के 6th एडिशन में गगनयान क्रू मॉड्यूल को और ऑरेंज स्पेस शूट को प्रदर्शित किया था। ये स्पेस शूट भारत में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में बनाया गया था। ये जो मिशन है गगनयान, उसे करीबन 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माना जाता है। इसरो की और भी जो बड़ी योजनाएं हैं, उनमें से एक है भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना। इसका वजन होगा 15 से 20 टन और जो 15 से 20 दिनों तक लोगों को होस्ट कर पाएगा। इसरो अपने इस स्पेस स्टेशन को प्रस्थापित करने के प्लान के बारे में भारत सरकार को डिटेल में रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद अनुमान लगाने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है उसे गगनयान मिशन का एक्सटेंशन कह सकते हैं। इसके अलावा इसरो का नेक्स्ट मिशन है शुक्रयान। इस मिशन का एम होगा शुक्र ग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, यानी कि शुक्र ग्रह के वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा और ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा। ऑर्बिटर मिशन यानी कि हमारा कोई लैंडर शुक्र ग्रह के ऊपर लैंड नहीं करने वाला है, बल्कि हमारा ऑर्बिटर शुक्र की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और ये सारा रिसर्च करेगा। ये मिशन हो सकता है 2023 तक। इसके अलावा इसरो के टू डू लिस्ट में शामिल है मिशन मार्स 2, यानी कि मंगलयान 2। इससे पहले हम PSLV-C25 रॉकेट से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 को भेजकर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। उस वक्त भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया था जो अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंच गया था। उससे पहले कोई भी देश अपने पहले अटेम्प्ट, पहली कोशिश में मंगल तक नहीं पहुंचा था। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो मंगलयान 2 में एम होगा मंगल ग्रह की लाल सतह के बारे में, मिनरल साइंस के बारे में और उसके वातावरण के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और ये मिशन हो सकता है 2024 तक। इसरो ने हाल ही में जो मिशन किया चंद्रयान 2, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, जिसका इसरो के साथ साथ पूरे देश को बहुत दुख है। लेकिन कोई बात नहीं, इसरो के जो आने वाले मिशन है ना, उनमें से एक मिशन मून मिशन भी है जो चंद्रयान 2 से बड़ा और बेहतर होगा, जिसका एम होगा चांद के पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से सैंपल लेकर आने का। और इसमें भारत और जापान साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि हमारे भारत का द ग्रेट इसरो और जापान का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के वैज्ञानिक साथ मिलकर अपना दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ बड़ा ही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जापान ने अभी इसी साल जुलाई में एक बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुली किया, मिशन हायाबुसा 2। ये एक एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन था जिसमें इन्होंने रयुगु नाम के एक एस्टेरॉयड पर विस्फोट किया। इसका मोटो था वहाँ पर एक क्रेटर का निर्माण करना। क्रेटर क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ चंद्रयान 2 वाले बहुत सारे वीडियोज़ में। एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया, उसमें से जो मलबा मिला उसके सैंपल ये लोग इकट्ठा करके अब उसका रिसर्च करेंगे। ये एक्चुअली बहुत ही टफ मिशन था, लेकिन जापान ने इसे सक्सेसफुली किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम लोग टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं। तो जब इसरो और जाक्सा दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बड़ा ही होगा। इसके अलावा इसरो का नेक्स्ट बड़ा मिशन है आदित्य L1, जो सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। ये एक अंतरिक्षयान मिशन होगा जिसमें हमारा अंतरिक्षयान पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर वाली ऑर्बिट में जाकर इस मिशन को अंजाम देगा। इसरो के जो चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन, उन्होंने कहा है कि भारत बहुत ही जल्द इस मिशन को शुरू कर सकता है, जो सूर्य के लिए किया जाने वाला पहला मिशन होगा। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों को अभी सूरज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। तो ये मिशन से हमको बहुत सारे सवालों का समाधान
मिल सकता है। तो ये थे इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी हर अपडेट से वाकिफ रह सकते हैं। अगर आप जीचिल्स के वीडियोज को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने ब्लैक होल वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, उनका नाम क्या था। इनका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रांग। टॉप थ्री में जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है इंडियन हेल्पर टीएम मुकेश प्रजापति एंड उत्कर्ष श्रीवास्तव वाइल्ड लंगाइज। आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। कोबरा एलेक्स जी ने भी सही जवाब दिया था लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा लेकिन ज़्यादा गलती होगी तो हम उसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए टाइप करते वक्त, खास करके किसी के नाम को। आज का सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। फिर से एक बार सुन लीजिए, नासा जो स्पेस एजेंसी है उसका फुल फॉर्म क्या है। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए अपने अकाउंट में, 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।